हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे आप मुझे जानते हो, मेरा चैनल है टेक्निकल लवली मनी चैनल, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। ये है स्विमिंग बाय मनी, जिसके ऊपर आप मेरी स्विमिंग से बिगिनर्स की स्विमिंग देखते हो। तो आज गीता दंजी का डे टू है, मैं और रजत। रजत हाय कर दे, जोर से हाय कर दे। अरे हाय कर दे। तो फ्रेंड्स, आज मैं और रजत घूमने वाले हैं गीता जयंती। तो चलो चलते हैं, डे टू है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि अगर इसमें म्यूज़िक आ गया, जैसे पीछे गाने आ गए, कल रात को मैंने वीडियो अपलोड की गीता जयंती के, जो डे वन है, तो उसमें क्या हुआ, तो बीच में आ गया गाना, जिसके कारण मैंने वीडियो एडिटिंग की, अपलोड की, सेव की, और जैसे ही अपलोड की, नाली कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। तो फिर मुझे उस वीडियो को दोबारा से डिलीट करना पड़ा, फिर अपलोड करना पड़ा, तो लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो गया। तो आज मैं और रजत घूमने वाले हैं, ठीक है, गीता जयंती, और आपको मैं दिखाऊंगा सारी गीता जयंती। अब टेंशन लेनी, डे वन टू देखते हैं कौन कौन से डे देता हूँ। कंटिन्यू डे तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि एक बार में भी आप देख लोगे वैसे क्या गीता जयंती है। हाँ, डे जैसे वन में आपको मैंने भंगड़ा भुंगड़ा दिखाया था, डे टू में आप, आज सारे स्टॉल लग गए, आज संडे, आज रश ज़्यादा होगा, अदर्स में कम रहता है, कि ज़्यादा नहीं रहता। रजत इधर आ जा, तू दिख नहीं रहा, तू भी आ जा। ये रजत भी आ गया, हाँ अब ठीक है, अब थोड़ी फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं अकेला नहीं, तो ऐसे रखता कि मैं अकेला हूँ, ठीक है। बाकी आपको सेम ऐसा लगेगा जैसे आप गीता जयंती में घूम रहे हो, ठीक है। ये चेक कर सकते हो, इधर स्टॉल लगभग सारे लग चुके हैं, आज संडे था, आज तो स्टॉल लगने थे। रीज़न क्या था, आज संडे था, संडे वाले दिन भीड़ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बस चलो गीता जयंती स्टार्ट करते हैं, और अब हम इसको कैमरे का आपको पीछे बैकग्राउंड दिखाएंगे। बाकी आप इधर से देख सकते हो कि इधर पूरा सरोवर तैर तैर हो रहा है, और पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी भीड़ है। मैं उस साइड इसलिए नहीं जा रहा, क्योंकि उस साइड चल रहे हैं डीजे पे गाने, फिर कॉपीराइट स्ट्राइक का पंगा पड़ जाएगा। तो बस आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर दो, और डे कोशिश करूँगा हर रोज़ आपको गीता जयंती में ही ना डे वन टू थ्री करके ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज़ दिखाता रहूँ। जैसे कि फर्स्ट डे में गीता जयंती में आपने भंगड़ा देख लिया था, और जो भी डांस होते हैं, झांकियाँ होती हैं, डे टू में देखते हैं। फिलहाल तो आप शॉप्स देखो, नज़ारे उठाओ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें अच्छे से, बल्कि बैकग्राउंड दिखाता हूँ मैं आपको। और हाँ, टिकटॉक की वीडियो भी बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, देखते हैं क्या रहता क्या नहीं रहता। टिकटॉक की आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में है, कर लेना मुझे फॉलो। अब मैंने चला दिया फ्रंट कैमरा, ठीक है। फ्रंट कैमरे में आप स्टॉल्स देख लो, साथ के साथ जो जो दिख रहे हैं देख लो, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, गीता जयंती में सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो में आप स्टॉल देख लो, ठीक है। और ये देखो स्टॉल खुला बर, हाँ, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आना है तो आप यहाँ घुमाने लेके आ सकते हो, बढ़िया है, ठीक है। और बस मिल जाओगे, जैसे कि ये बिजी होने आ रहे हैं। ओहो हो, देख लिया, कोई काम कर लो, इनको कहना हमने बिजी है, और कुछ बोल नहीं सकते, बताओ, ठीक है ना। ये आप चेक कर सकते हो, ये ओ ये क्या है इसमें, अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा फोकस करना पड़ता है, ये फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, टेंशन ना लो, इस पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। ये फोटो है ना, इसको मतलब कि जो नीचे लिखा है, ये नीचे लिखा है, आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, गौर से देखोगे तो आपको जो इसके अंदर है, जो मेन है ना, वो दिखेगा, देखना है आपको दिखता है कि नहीं दिखता। फोकस करो थोड़ा सा, आती है मुझे देखनी, मेरे पास पहले ऐसी फोटो थी, ये तो मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बल्कि दो मिनट होल्ड कर, तो तुझे सारा कुछ क्लियर दिखेगा, एकदम क्लियर दिखेगा, और बैकग्राउंड में 3D जैसे आएगी। ये आप अच्छे से पढ़ लो तो शायद आप इस पर फोकस कर पाओ, ठीक है। ये देख सकते हो, तो ये देख लो, सीनरी में एक हाथी बना हुआ है, नीचे छोटे छोटे हाथी बने हुए हैं, एक ही हाथी का बच्चा है, और नीचे नंबर लिखा हुआ है 9810731166। लास्ट का नंबर नहीं बताऊंगा, अगर नंबर बता दिए तो आप ज़्यादा कॉल करोगे, इसलिए मैं लास्ट का नंबर नहीं बता रहा। और इसमें साफ दिख रहा है, और इसमें हाथी बना हुआ है बड़ा सारा, और बस, और उसके पीछे क्या है, ये घास सा बना रखा है, छोटा सा हाथी अपने बच्चे के साथ है, हथनी होगी शायद ये, हाँ वो हाथी का बेबी है, हाँ हाथी का बेबी है, हाँ उसमें नंबर लिखा है, नंबर मैंने पूरा पढ़ा, और लास्ट का नहीं पढ़ा, अगर पढ़ दे तो कॉल बहुत आएगी आपको, फिर आप डिस्टर्ब हो गए, हाँ अच्छा, हाँ पानी में गिर गया, कुछ ऐसा सीन है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देना, देख लूँ मैं, ओके कर दो, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है देखते हैं, उसमें हाथी का बेबी था, और इसमें देखते थे क्या है, कोई बात नहीं, मुझे दिख जाएगा। ओके, इसमें ताजमहल बना हुआ है फ्रेंड्स, अगर आपको दिख रहा है इसमें ताजमहल बना हुआ है, आपको नहीं दिखेगा, फोकस करना पड़ता थोड़ा सा। और इसमें ताजमहल बना हुआ है, इधर टावर बना हुआ है, और इधर टावर बना हुआ है, बस, और नीचे कुछ बना रखा है, इसमें ताजमहल बना हुआ है, और इसमें नंबर लिखा है क्या, एक मिनट फोकस, कहाँ गया ताजमहल, ताजमहल गिर गया,
हाँ ताजमहल, इसमें नंबर, हाँ इसमें भी नंबर लिखा हुआ है, नंबर सेम ही है 9810731168। ए ये लो, इसमें भी सेम है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और होगा, दिखाना नहीं, नहीं एक मिनट दिखाना भाई। ओके इसमें क्या है, अरे आजा, कौन सा वाला लेना है आपने, कौन सा लेना है, हो जा हो जा हो जा हो जा। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही है, इसमें फोकस नहीं हो पा रहा, अरे फोकस नहीं हो पा रहा फ्रेंड्स, वीडियो स्टॉप करते मनीष और रजत, अभी नेक्स्ट करेंगे। बहुत में महात्मा गांधी जी खड़े हुए हैं और साथ में फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, और काफ़ी क्लियर दिख रहा है। इसमें देखने के लिए आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, अगर आपने एक बार इसमें देख लिया तो आपको सब में देखना आ जाएगा। ये मैंने बचपन में देखा था, जब मेरी 7 से 8 साल की उम्र थी तब मेरे पास थी एक फ़ोटो ये, तो अभी मुझे क्लियर दिख रहा है। और आप इसके ऊपर फोकस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, पीछे जा मुझे, पीछे जा मुझे, पूरी कमेंट्री करनी है इधर से इधर से इधर से इधर से। ओके तो फ्रेंड्स इसमें महात्मा गांधी जी बने हुए हैं, आपको फोकस करना पड़ेगा, फोकस आप कर नहीं पाओगे क्योंकि इधर सूरज पड़ रहा है, और शायद ये शेडो में अगर मैं शामे में बनाऊंगा तो आपको पूरा फोकस करोगे तो ये क्लियर दिखेगा। इसमें महात्मा जी गांधी जी अपनी सोटी लेके खड़े हुए हैं और साथ में तिरंगा है एक साइड में काफ़ी लंबा, और यहाँ पे ये आप थोड़ा थोड़ा हिडन भी कर सकते हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ होती है। तो मैंने इनकी 2-3 थी जो मैंने देख ली, और ये मैं एक मिनट दिखाना भैया, एक मिनट देना, एक मिनट। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक सेकंड होल्ड कर लेता हूँ, आपको सिर्फ फोकस करना है इसके ऊपर, जब आप इसे को अच्छे से फोकस कर लोगे, मैं कैमरे में देखूँ अगर दिख रहा है तो मुझे कैमरे से फोकस, हाँ तो मैं कैमरे से भी फोकस सही कर पा रहा हूँ, तो अगर आपने कोई ऐसी देखी है तो आपको क्लियर मिल जाएगी। और इसके नीचे कुछ लिखा है, अगर आप पढ़ के ज़्यादा बेटर देख पाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी ये दिखेगा सेम ऐसे ही, फोकस करना पड़ेगा। तो थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स ये आप चेक कर सकते हो, स्टॉल नंबर मैं बता देता हूँ, अगर आप ब्रह्म शॉप पर देख रहे हो ये चीज़ लेनी है, शॉप नंबर 743 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है 743, आप देखते देखते आ जाना, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी बढ़िया थी, इसको देखने के लिए आपको है ना ऐसे करके कंसंट्रेट करना है, आप अपने नाक को देखो, ये भी सही है जो भैया ने बताया, आप अपने नाक को अपने इसमें देखते जाओ, पर ध्यान रखना है जहाँ शेडो मतलब शामे देखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसके जो पीछे बना हुआ है वो क्लियर दिखेगा, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, ओके मैं क्लियर देख पा रहा हूँ, इसके पीछे ताजमहल बना हुआ है, नीचे इन्होंने कुछ लिखा है RANJANART.com। अगर आपने ये ऑर्डर करनी है तो यहाँ पे ईमेल आईडी मैं दे रहा हूँ इनकी, RRajan.com, ठीक है, सारे अक्षर बड़े अक्षरों में है, RANJANART.com ये इनकी वेबसाइट है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और इन्होंने ताजमहल मिलाया हुआ है, और उसके नीचे इन्होंने नंबर भी मेंशन किया हुआ है, और नंबर क्या है 9810731116, लास्ट का नंबर नहीं बताऊंगा, ठीक है, लास्ट का नंबर नहीं बताऊंगा, अगर लास्ट का नंबर बता दें मुझे पता आप बहुत कॉल करोगे, ठीक है। ओके तो इसको आपको देखने के लिए थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, और आपको क्लियर दिखेगा, जब आपको क्लियर दिखेगा जो 3D दिखेगा, द ताजमहल लिखा हुआ है पर THE इधर लिखा हुआ है, और TAI इधर लिखा हुआ है, TAJ इधर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जैसे जैसे आप पीछे करते जाओगे जो बड़ा होता जाएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है, औसम चीज़ है, मतलब बहुत अच्छी लगती है ये, इसमें सब में अलग अलग बनाया हुआ है, नहीं नहीं चाहिए नहीं, अब देखी हुई मैंने सारी, और ये मैंने सारी देखी हुई है। इसमें क्या रहता है मैं बता देता हूँ, तो इसमें जब आप देखते हो ना, और बैकग्राउंड में अगर कोई पीछे लेके, जितना आपका कॉन्सेंट्रेट रहेगा, जितना पीछे जाते जाओगे उतनी वो चीज़ बड़ी होती जाएगी, और पूरी 3D में लगती है, ऐसे लगता है जैसे अपनी आंखों के सामने है, पूरी 3D में, बहुत औसम चीज़ है, ठीक है। तो चलो अब गीता जयंती दिखाते हैं। तो जो मैंने अभी अभी आपको आपने वीडियो देखी है, जो अभी अभी आपने देखा ना सीनरी देखी है, वो बहुत औसम होती है, अगर आपको क्लियर दिखना लग जाए ना तो पीछे एकदम क्लियर दिखेगा, वैसे किसी को नहीं पता चलेगा, वैसे ये मतलब कि आंखों पे आप कंसंट्रेट रखोगे, वैसे नोज़ को बोलते हैं ना, तो अगर आप आंखों पे कंसंट्रेट रखोगे तो बहुत अच्छा क्लियर दिखता है। और ये मेरे पास गुरु नानक देव जी की थी, अगर आप फोकस करते हो, वैसे गुरु नानक देव जी दिखते थे एकदम क्लियर, जब आप फोकस करते हो तो एक ओमकार लिखा हुआ आता था, बहुत औसम चीज़ थी वो, ठीक है। बचपन में था मैं 6-7 साल का था, तब से मैंने देखी हुई है, और तब से आज देखी है ये वाली नेक्स्ट फोटो, मतलब की जो ऐसे वाली, तो ये काफ़ी बढ़िया होती है, ठीक है। और वीडियो कैसी है ये मुझे पता नहीं, ये रजत ने बनाई है, और कैसे फोकस किया ये मुझे नहीं पता, अगर दूर से किया होता तो शायद पता लगता है, दिखा है दूर से मुझे, मतलब कि दूर से दिखाया, मैं कैसे फोटो को देख रहा था,
दिखाया था गर्दन गर्दन। तो फ्रेंड्स जैसे भी मैनेज कर लेना, तो आई होप कि आपको मजा आएगा गीता जयंती। चलो आगे दिखाते हैं, गुम हो जाते हैं। कहाँ गए पापा? हेलो, कुछ हो रहा है? ऐसे करते ऐसे करते। ओ पापा के। तो फ्रेंड्स अभी आप गीता जयंती का आनंद उठाओ। आनंद मैं आपको एक बता देता हूँ कि ये ना आप ये देख सकते हो, ये वो दूर तक जितनी भी ये सारी शॉप्स हैं, ठीक है, ये लगभग सारी लगी हुई, जैसे ये लगी हुई है, ये आपको फोकस करके दिखाता जाता हूँ। ये देखो ये सारी शॉप्स लगी हुई हैं, ठीक है, अभी कुछ लगी है, कुछ और लगेगी, ठीक है, ये देख सकते हो ये सारी शॉप्स लगी हुई है। ये आपको थोड़ा दूर फोकस करता हूँ, ये सारी शॉप्स लगी हुई है। तो ये कुंडू साहब आ गए अपने, और इनका भी वही चैनल है, चैनल का नाम बताना चाहोगे? रितिक कुंडू 28। तो इधर आ गया, ओके, कुंडू साहब इधर आ गए और हम चल रहे हैं गीता जयंती देखने। तो फ्रेंड्स डोगी पहले पहले डोगी ये चेक कर सको। तो फ्रेंड्स चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यार रजत भी घूम रहा है। तो ये कुछ खाने पीने के लिए आपने देखना है या टोकरियाँ देखनी है, आप यहाँ से देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। टोकरियाँ मतलब कि सजावट, और हाँ तो ये आप देख सकते हो, स्टॉल देख लो, आज की डेट में आपको स्टॉल दिखा रहा हूँ। मुझे वो चीज़ बहुत बढ़िया लगी जो आपने पीछे देखी है, ठीक है, ये क्रिस्टल बॉल्स, अगर आपने कुछ चाबी चुबी जाओ रखनी है, डोर बेल होगी, ठीक है ना, ये आप चेक कर सकते हो, छोटे छोटे स्वेटर, ये आप चेक कर लो। तो फ्रेंड्स चलो अब थोड़े फॉरवर्ड में भी निकालूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको बोर करूंगा, तो थोड़ी फॉरवर्ड में भी निकालो। चाबी चुबियाँ टांगनी है तो आप यहाँ देख सकते हो ये, ठीक है, ये चीज़ बल्कि आपको छल्ले छुल्ले यहाँ बहुत कुछ मिलने वाले हैं, ये देख सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो। ओवरऑल काफ़ी धूप बत्ती जो आपने लेनी है ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, आपने कुछ लेनी नहीं है, ठीक है। फ्लावर पॉट भी आपको मिलने वाले हैं, को फ्लावर पॉट आपको यहाँ मिल जाएंगे, हर एक तरह के, तरह तरह के बढ़िया बढ़िया वाले, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप देख चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ बढ़िया चीज़ है, ठीक है। बाकी कुछ फॉरवर्ड में भी करेंगे, इसमें पानी डाल के मछलियाँ भी डाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, इसको थोड़ा जो पानी डाल के पी सकते हैं, नहा भी सकते हैं, हाथ पैर भी धो सकते हो, ठीक है ना, वो बात अलग है कि आप बाद में ऐसे डांस करना, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत कुछ, मतलब कि गीता जयंती में आपको लगभग सारा कुछ मिलता है, यहाँ से लेके उधर से A to Z मिलता है आपको, ऐसी कुछ बात नहीं है। पर हाँ ये कि वीडियो अगर लंबी बन गई उसके लिए सॉरी, ज़्यादा लंबी तो हम बनाएंगे नहीं, ठीक है ना, कोशिश रहेगी कि छोटी बनाऊँ, पर फिर भी गीता जयंती का मतलब कि जहाँ इतनी भीड़ होगी तो वहाँ तो कुछ तो पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और हाँ आप टिकटॉक पे शौचालय भी है यहाँ पे, ठीक है, तो हम चल रहे हैं तेज तेज आगे। ये मतलब कि एक चीज़ तो फायदा है कि हाँ भी मेरा जो मोबाइल है ये ज़्यादा वो ऐसे खिलता नहीं है, और मैं इस साइड से इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि इस साइड म्यूज़िक नहीं चल रहा है, मेरे वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, मतलब कि जितनी भी आपने अभी तक देखी है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली। वीडियो लगी हुई है, काजू बादाम मिल जाएंगे, पापड़ ये फ्री में लगी है, फ्री में उठा लो कोई। ताजे करारे पपड़ करारे पपड़ ठीक है। जुतियाँ लेने के लिए खड़े हुए हैं बच्चे, खरीददारी भी कर लेंगे, क्या सीन है, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगे पूछ के थोड़ी खरीदने का, हम खरीद लेंगे ऐसे ही। जनता देखो कह रहे हैं मुझे कल को इंटरव्यू लिया था ना चैनल ने, तो पूछ रहे थे डिस्टर्बिंग होते, ऐसे लोग होते हैं जो डिस्टर्बिंग करते हैं, ऐसे लोग। हाँ तो फ्रेंड्स ओवरऑल आप चेक कर सकते हो कि ये आगे हम उसके नीचे गेट के नीचे, जुतियाँ देख लो, पापड़ देख लो, मेले में सब कुछ देख लो, ओके। मेला थोड़ा बढ़िया तरीके से दिखाते हैं, आप ट्राइपॉड ऊंचा करके, वैसे ऊपर से ज़्यादा बढ़िया लगता है नज़ारा ना, ऊपर फोन ऊपर रह जाए और हम नीचे आ जाए। तो फ्रेंड्स गीता जयंती का मेला देखते जाओ, जोगी दीते देखा तूने? जोगी दीते नहीं देखा भाई, टाइम नहीं पता, रजे टाइम बता दे टाइम भाई, मेरे हिसाब से 4:30-5 बजने वाले होंगे। तो फ्रेंड्स आज डे 2 है गीता जयंती का, ठीक है, एमें इतना वो चक्कर नहीं है, अब ऐसे संडे सारे नाल बेस्ट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं आओगे, संडे वैसे भीड़ आज ज़्यादा है, वैसे बाकी दिनों में नॉर्मली कम रहती है, संडे टू ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है, तो यहाँ सारे आए होते हैं, सारे उनकी फैमिली आती हैं, बच्चे गुम हो जाते हैं, फिर नोस कहाँ होती है वो भी मैं आपको बता दूंगा, अनाउंसमेंट कहाँ होती है, ठीक है,
ये पढ़ लो आप, गुड़गढ़ देख लो, शॉप्स आप देख सकते हो। ये शॉप एक नंबर से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ 800 लिखे ना, एक नंबर से स्टार्ट हो जाती है, इनके अलग अलग रहते हैं। उधर 700 सी 16 17 ऐसे बढ़ती जा रही है, उधर कम है। तो आई थिंक इधर आ जा, तुझे कैसा लग रहा है पहले ये बता। काफी टाइम बाद आ रहा हूँ। एक साल बाद आएगी। तो फ्रेंड्स हम मतलब कि घूम हम ऐसे रहे हैं जैसे कि ऐसे घूम रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत भीड़ है, ठीक है। और इधर अब नगाड़े से बज रहे हैं, अगर बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक आ गया मैं नाली बंद कर दूंगा। हाँ तो भाई कहता 10 के 2, हमारे पास 5 की नहीं है, हम 10 के कहाँ से देंगे। ओके तो ये इधर स्टॉल लगे हुए हैं, ठीक है, सारा कुछ मिलता है, ऐसी बात नहीं। आप बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको, आपका आनंद पूरा उठाने आपने बैक कैमरे से, आप देख रहे हो बैक कैमरे से देखो एकदम जानवर आपको चीज़ दिखेगी। और चक्को फिर झांकी आ गई है, अब बंदा जोश में है, बंदा जोश में आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ, बंदा जोश में है, चमटा जाने वाला जहाज जोश में, नचने वाले जोश में हो ना हो, ये लो आ जाओ कैमरे में, चेक कर सकते हो, ये इनकी प्रदर्शनियाँ होती हैं अलग अलग। हम थोड़ा डांस करेंगे, हम तो डांस करेंगे, लहर लगा के यार पूरी यार। चलते हम आगे, यहाँ से चलते हुए आगे, अब है भीड़ बहुत होती है फ्रेंड्स, बहुत, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत होती है। और भीड़ में याद आ गया कि भीड़ बहुत है, यही बात है कि भीड़ बहुत है। अब हम चल रहे हैं आगे, गोली की रफ्तार से आगे बढ़ते हुए। जैसे आप फर्स्ट गेट से एंट्री करोगे तो आपको वेलकम टू मतलब कि गीता महा उस लिखा आएगा, तो ये आप चेक कर सकते हो, जैसे लिखा होगा ये चार जो बजरी होती है ना, मतलब कि टाइले होती है, उनसे दानों से लिखा था ये रंगोली जी, क्या ये बजरी होती है, ए ब्रिक ब्रिक बजरी। तो ये चेक सकते हैं वेलकम टू, ठीक है, ये इनका गेट फर्स्ट है, यहाँ ये गेट फर्स्ट है, अगर सीधा चले जाओ गेट टू उधर पड़ता है, ठीक है, ब्रह्मसरो की एंट्री है यहाँ से रहती है, वैसे छोटी छोटी एंट्री सारी जगह से है, और आगे मंदिर बन रहा है। अब आगे हम भीड़ में और कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकते हैं क्योंकि बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं। ये भाइयों का भंगड़ा आपने पहले कल की वीडियो में देख लिया है, कल ये बाइक कर रहे थे भंगड़ा डांसू वाला, ठीक है, तो आज भी ये भंगड़ा करेंगे, और ये बहुत बढ़िया मतलब भंगड़ा रहा है इनका, ठीक है। आपने कल अगर गीता जयंती देखी है तो कल की गीता जयंती में आपको भंगड़ा देखने को मिल गया होगा। तो अब हम मनाने जा रहे हैं, ये देखो देखना इधर फोर्ट में खींची जा रही है, इधर फोर्ट में खींची जा रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इधर चेक कर सकते हो, गीता जयंती में ये आपको सारी चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल ये चेक कर सकते हो कि ये फोटो सेशन हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये भगवान शिव जी जी, तो ये चेक कर सकते हो। अब चलेंगे हम नेक्स्ट में, इधर आ जा। ये आप जैसे ही फर्स्ट गेट से एंटर करोगे ना, यहाँ पे ये मंदिर है भगवान शिव जी का, बहुत बढ़िया है, और आप यहाँ आओ नंद उठाओ, चाहे ये पापड़ खाओ चटनी डाल के, ठीक है, तो 10 रुपये के 2 पापड़। तो फ्रेंड्स नमकीन भी खा सकते हो, जरूरी नहीं आपने पापड़ ही खाने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल ये गीता जयंती का डे फर्स्ट है, सेकेंड डे है, तो यहाँ भीड़ बहुत है, आप चेक कर सकते हो। और बीच में मेरी साउंड बैकग्राउंड में शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, उसके लिए सॉरी। और अच्छा जी, ढोल की आवाज़ है, ऐसी चक्कर नहीं, मैंने सोचा कि गाना चल रहा है तो गाने की दिक्कत होती है मुझे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे गाना चल रहा है वहाँ पे मैंने बंद किया, अगर बाई चांस फिर भी कोई इशू आ गया तो आप कर लेंगे जुगाड़ उसका कोई ना कोई, आप बेफिक्र हो। तो गीता जयंती पूरी दिखाई जाएगी, और ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये मंदिर है,
ठीक है, हमने यहाँ चिंटू यहाँ पे स्विमिंग की प्रैक्टिस हुई है, ठीक है, वो इस पूल से लेके वो सामने थड़े तक जाता था, ठीक है, और वहाँ पे डीजे लगे हुए हैं, वहाँ पे डीजे लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हम जा रहे हैं यहाँ पे लगे हुए डीजे, ठीक है, और इसकी वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आता है जो गाने चलते हैं इसके बैकग्राउंड में, ठीक है। और अभी हम कहाँ से आए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अभी हम इधर से आए हैं, वो इधर इधर जो नुक्कड़ है ना, ये यहाँ पे नुक्कड़ है, उस नुक्कड़ से लेके हम सारा चल के आए हैं, ये गेट फर्स्ट है, गेट सेकंड उधर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम और आगे जाएंगे, ठीक है, अगर आगे वहाँ गाने चल रहे हुए तो मैं म्यूज़िक बंद कर दूंगा, बैकग्राउंड में खुद कमेंट्री करूंगा। तो आज संडे है तो आज काफ़ी भीड़ है, ठीक है, तो ये झाकियाँ होती हैं, ठीक है, ये झाकियाँ होती हैं, ठीक है, ऐसे इन सबकी झाकियाँ होती हैं, जैसे कि सबके अलग अलग होते हैं, यहाँ स्कूल भी घूमने आते हैं, तो अलग अलग स्कूल घूमने आते हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं, अब हम जाएंगे आगे और आपको सारी गीता जयंती दिखाएंगे, एंड मज़ेदार ऐसे छोटे छोटे एंट्री गेट सभी जगह होंगे, आपको सब आप किसी जगह से भी आ सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने गेट वन से ही आना है, टू से आना है, हैं, फॉरनर भी आ गया, फॉरनर फोन कहाँ है, गेट से एंट्री, हाँ वो तो आते हैं, VIP लोग भी यहाँ आते हैं, बाकी जो बुजुर्ग है वो ई रिक्शा घूमते रहते हैं, उनको बिठा लेते हैं, फ्री सेवा रहती है ई रिक्शा की, ठीक है, कई होते हैं ना कि थक गए अब नहीं हम चल सकते, बाकी भाई ने अपना नाम घुमाना खनवा लिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मेले के आनंद उठाओ, उधर चलेंगे, मेले का आनंद उठाओ, और रजत हमें पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है, चिंटू आया नहीं, चिंटू होता तो और बढ़िया रहता, ठीक है। तो ये देखो, ये हम इसको खींचते हैं ना, तो ये क्या होगा, ये आपको दिखाता हूँ, वो हम डांस करेंगे, ये चेक कर लो, चेक, ये डांस करने वाला है, ये बच्चों के लिए है, है, है। तो यहाँ खिलौने लकड़ के लगभग सारे खिलौने, ये आप चेक कर सकते हो, गुलेल, गुलेल कभी इससे आप खेले कमेंट में बताना, ठीक है। तो ये आप शॉप नंबर देख सकते हो, ये 24 नंबर शॉप है, अगर आपने गुलेल लेनी है यहाँ पर, आपने लकड़ी का ठुनठुना सा लेना है, बाकी ये आप सारे चेक कर सकते हो, आपको इजीली है, अगर आपका कोई दोस्त गुम हो जाता है आप शॉप नंबर बता देना, उसके पास खड़े हो जाना, इजीली मिल जाएगा, आप कह देना शॉप नंबर के एकदम सामने बैठा है। मेले की खास जान क्या होती है, ये पिपणियाँ सी, ये जो भाई बजा रहे हैं, ये पिपणियाँ शान जान होती है। और रजत भैया कैसे हो, और अपने मिल गया यश भैया, और ये डांस करते हैं, इनका भी चैनल है, डांस का चैनल क्या था, देसी वाइब के नाम से, हाँ एक और फिर से, देसी वाइब, सुन गया ना, मैंने नहीं बोला भाई का, सुन गया ना, देसी वाइब के नाम से भैया का चैनल है, देख लेना, और हो सका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और रेगुलर बेचारा के नाम से, एक स्ट्रगलर बेचारा के नाम से, हाँ दो चैनल है, दो चैनलों के नाम सुन गए ना, कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में देने की आईडी, मेरी आंख में कुछ हो गया, तो और कहना है घूम रहे है ना, एक स्कूल का ना वो आ रहा था मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट, मैंने 35,000 का बताया हुआ है, दोनों जने चल पड़ेंगे, अगर वो फाइनल करते हैं, अगर उन्होंने बजट कम कर दिया फिर नहीं जाएंगे, 14 आइटमें हैं देने वाली, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स ये यश भाई है, ये काफ़ी बढ़िया है, और ऐसे मिलते रहते हैं दोस्त जैसे ये देखो इसको, इसको देखो गुआच गया तो मेरी आंख में कुछ हो गया। तो फ्रेंड्स बैक से दिखाता हूँ, मतलब बैक से ज़्यादा बढ़िया आता है, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ, आप बैक से देख रहे हो, और हम ऐसे चल रहे हैं, सामने भी देख रहे हैं, अगर मैं कैमरे में ध्यान दे देता हूँ तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है, बाकी अब इधर इधर भी मतलब कि लगे हुए हैं, निकलने हुए कगड़े उगड़े से, तो चलो ये भी दिखा देता हूँ कि इसमें क्या सीन है। डेट वो तेरे साथ के चढ़ गया हम ऊपर, चलो चलो भाई बैलेंस चेक कर लो और ताड़ियां मार दो, ताड़ियां 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 ताड़ियां, ये भी एक जंकी है, इनकी भी लगती है, ये बाजीगर होते हैं, इनकी भी जागी लगती है, इनकी टीम का नाम पढ़ सकते हो, ये फिरोजपुर से है, पंजाब से, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ओ सॉरी सॉरी, ये अब तोड़ेंगे तो अब ये करेंगे सरिया फिंगा, यूट्यूब ऐसी चीज़ में नहीं दिखा सकता, तो इसलिए हम चलेंगे आगे, ये गर्दन से फिंगा करेंगे, तो चलो आगे चलेंगे, चलो चलो तमकी दे देगा नहीं तो, रजत चले। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं आगे, मिलने में आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं मुझे डर लग रहा है कि वहाँ गाने ना चल रहे हो, गाने चल रहे हो तो मेरी वीडियो का कुछ नहीं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और कुछ नहीं, गाने चल रहे हैं, सुन चल रहे हैं, तबले बज रहे हैं, नहीं वो तो कुछ वो गाने नहीं चल रहे, बल्कि उनके खुद के तबले बज रहे हैं, वो बात अलग है, ठीक है ना, तबले बज रहे हैं कोई चक्कर नहीं है,
थोड़ा सफर से आया ना। तबले बजते रहे, हमने क्या लेना, तबले बजते रहे। तो फ्रेंड्स अगर कोई डूब जाता है या डूबने की कोशिश करता है, ये आनंद जमातिया बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये अपना आनंद जमातिया बैठा हुआ है, ये यहाँ पे, ये आनंद जमातिया। अगर कोई डूब जाता है तो ये मतलब कि क्या कहते हैं, बचाओ दल ये बैठा हुआ है, ठीक है। और ये आपको 46 में मिलेगा, ठीक है। आनंद जमातिया है तो अपना यार दोस्त काफ़ी ख़ास है, ठीक है। स्विमर है ये भी, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इनको ये सरकारी जॉब होती है इनकी, ठीक है। बाकी ब्रह्मसोवर में कोई ना कोई केस होया रहता है। तो ओवरऑल ध्यान से सेफली लो फुकरी मारने के लिए, पानी के रेलिंग के, ये रेलिंग के उस पार मत जाओ फुकरी मारने के लिए, क्योंकि उस पार 15 फुट गहरा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम जा रहे हैं, आपको जाकी दिखाऊंगा, क्योंकि जाकी में डीजे नहीं चल रही है, खुद ढोलकियाँ बजा रहे हैं। ढोलकियों का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ढोलकी कभी एक जैसी नहीं बजती, ठीक है। तो हम जा रहे हैं आगे। तो वीडियो पता नहीं कितनी लंबी होगी, वीडियो सेफ होने में 4 घंटे लगेंगे, बस कॉपीराइट नहीं आई होनी चाहिए। चल रहा है। अब चलेंगे हम ऊपर, ऊपर जाना है कि नहीं जाना है? डांस नहीं, इधर कुछ और चल रहा है डांस, नहीं सिर्फ गा रहे हैं। ऊपर प्रदर्शनियाँ चल रही हैं फ्रेंड्स, देखनी है मुझे कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल आप ये स्टॉल देखो, और हमें यहाँ से गुजर के आगे जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब गाना लगा दे कोई। तो हम गुजर के आगे जा रहे हैं, गुजर रहे हैं हम आगे जा रहे हैं, कि चल चल के परेशान हो रहे हैं, कि कहते चलो घर चलें। ओए बच्चे। तो फ्रेंड्स ऊंचा कैमरा, और इधर चेक कर सकते हो कि ये भीड़ लगी हुई है, धड़ाधड़ खचाखच भीड़ लगी हुई है, ठीक है। कई भी थके हुए बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसे ये रजत देख सकते हो, और रजत चल रहा है, चौड़ा हो गया, माय गॉड, अपना बैग लेके जा रहा है, हम इसको पीछे से कवर करेंगे। और ये आप चेक कर सकते हो, नाइकी का बैग जा रहा है, और पापड़ भी इधर है, मुँह में पानी आ गया। बच्चा कह रहा है मैंने पापड़ खाने हैं, पापा कह रहा है पापड़ खाएगा तो सांस चढ़ेगा, मुझे तो मोटा हो जाएगा और ज़्यादा। तो हम चल रहे हैं, काफ़ी मज़ा आता है फ्रेंड्स, हैं झुमके भी लेने, चलो। तो फ्रेंड्स फिलहाल ऐसा है कि हम कम से कम नहीं, मैं 2-3 हज़ार पैर स्टेप चल गया, ठीक है। बाकी पंगे किसी से नहीं लेने, लड़ाइयाँ हो जाएंगी। हाँ सॉफ्टी ज़्यादा बिकने वाली यहाँ चीज़ है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ का सिस्टम तो मैंने दिखाई दिया, ठीक है। और भीड़ आप देख सकते हो, ठीक है, और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। बाकी जैसे जैसे दिन बीते जाएंगे आपको मैं बता दूँगा। अभी जो आपका वो लगेगा ना, वो आपका यहाँ लगेगा, यहाँ पे ना एक शावर का मतलब कि वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, याद भूल गया मैं, पानी से ना बहुत बढ़िया बढ़िया बना होता है, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, सरोवर? नहीं नहीं, वो जो पानी से वो बनाते हैं, कौन सा शो आया उसका, शो का नाम भूल गया मैं। यहाँ पे अभी सेटअप करेंगे, ये है ना, यहाँ सेटअप करके पूरा मैं दिखाऊंगा आपको, ब्रह्मसोवर देखते रहना। डे 1, 2, 3 में आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही रहेगा, ठीक है। अभी ये ओह डांस दिखाने के लिए तैयार, हम जा रहे हैं आगे, हम आपको डांस दिखाने के लिए तैयार, जाते हुए आगे आगे जा रहे हैं। और ये हम बहुत जल्दबाजी में जा रहे हैं, और चक्को फिर प्रदर्शनी देख लो, प्रदर्शनी टेंशन लेनी तवा प्रदर्शनी, ये प्रदर्शनी है, आपको आगे से प्रदर्शनी दिखाएंगे। ये प्रदर्शनी ब्रह्मसोवर में लगी है, इतना नज़ारा किसे मिलना है, चेक कर सकते हो आप, प्रदर्शनी चल रही है। चेक बाइकी मुझे चेक कर लो, ए बाइकी मुझे, तवा घोड़ा, प्रदर्शनी चेक कर लो, ओके चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं प्रदर्शनी में। रजत कहाँ गया, रजत चल चलो। तो फ्रेंड्स प्रदर्शनियाँ पूरी दिखा रहे हैं, ब्रह्मसोवर देखो, मतलब कि गीता जयंती का मेला देखो पूरा, बेफिक्र रहो आप, गीता जयंती का मेला धड़ा धड़ दिखाने, आप टेंशन ना लो,
क्योंकि आपको पूरा मज़ा आने वाला है। उसके लिए सिस्टम कुछ ऐसा रहता है कि हाँ भाई यहाँ पे आपको सारा कुछ खाने को मिलेगा, जलेबी जलूबी सारा कुछ। जैसे कि ये थक जाते हैं तो वो ई रिक्शा में जाते हैं, ठीक है। बाकी आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि अगर आपने कुछ परचेज करना है जो मतलब कि चोले चूल्हे फिलहाल फीमेल्स का ज़्यादा रहता है, और आपको उस साइड भी एंड तक दिखाएंगे, टेंशन नहीं लेनी आपने। बाकी मुझे ये चीज़ बहुत प्यारी लग रही है, ये चीज़ है ना, ये चक्को ये अलग अलग है। हाँ मतलब कि वो पटाखू, वो जैसे मनीष रहता है, मतलब कि वो ये लड़कियों की है, पहली साइड बॉयज़ की भी टेंशन लेनी। बाकी आप हंस फूस देख रहे हो, समझ रहे हो ना भाई, पूरा मूड में है, कहता मैं आज पाड़ के रखनी है, आ गया ताऊ बाहर है। हाँ बाकी कहीं बोर हो रहा तो खेल सकता है क्लास में जाके ताश, ठीक है। हाँ छोटी छोटी पर्चियाँ बना के छल्ले को पर्चियाँ बना के लेके जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप चेक कर सकते हो, ये मैंने कहाँ देखी, कहाँ देखी। तो फ्रेंड्स आज लाइव भी आना यार, यार आज लाइव भी आना है, कैसे भी है। तो अभी आपने देखे कौन थे, वो कौन थे साहिल भैया, साहिल भैया लेमिनेशन करते हैं बहुत अच्छी। ओके तो अब हम आगे जाते हुए, टेंशन लेने आपने, हम आगे जाते जाएंगे, जो भी आता है वो जाता जाएगा, हम आगे जाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ओवरऑल आप चेक कर सकते हो, हम गीता जयंती दिखाएंगे पूरी आपको, टेंशन नहीं लेनी। और कमेंट्री तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब पानी पियेंगे हम, रुक के पानी पियेंगे। और जहाँ कुछ बाजार है ये फ्रेंड्स, मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक कर देना। बाकी आप गीता जयंती देख रहे हो, सूट लो जो कुछ मर्जी लो, कोई चक्कर नहीं है। हाँ अपनी बंदी को मत लेके आना, नहीं तो वो बहुत खर्चा कराएगी। हाँ वैसे मूंगफली खिला के भी तो उसको सारा सार उसको पापड़ खिला देना, ऐसी कोई बात नहीं है ना रजत। हाँ अगर आपको ज़्यादा अमीर बनना है या कुछ करना है फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, फुकरी माननी है फुकरी माननी, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप ज़्यादा अमीर हो, ज़्यादा अमीर हो फिर भी आप कुछ भी कर सकते हो। बाकी हाँ मतलब कि सस्ते में सार सकते हो, झुमके झुमके यहाँ सस्ते मिल जाएंगे, इतने खुश हो जाएंगे। हाँ पापड़ खिला के आप घूमते रहना, बैठ के बातें करना, ये सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो बीच में मैंने फॉरवर्ड भी किया, जब मुझे लगेगा वीडियो ज़्यादा लंबी है तो हम फॉरवर्ड कर देंगे। वैसे मैं 8-8, 10-10 मिनट की बनाता हूँ, ज़्यादा लंबी बनाता नहीं। फॉर गीता जयंती अब सपोज करो आप नहीं आ पा रहे हो, गीता जयंती का लुत्फ़ उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। ये पर्स पुर्स किसी ने लेने हैं बॉयज़ का, अगर ये पर्स पुर्स किसी ने लेने हैं, बेल्ट बुल्ट लेनी है तो आप ले सकते हो, शॉप नंबर 138 है, ठीक है। तो हम बढ़ते जा रहे हैं, 29 रुपये आ गए, 39 पे आ गए, 139 पे आ गए, ठीक है। रजत बेल्ट लेने लग गया, रजत गुम हो गया, रजत मिल गया हमें, अनाउंस कराने की जरूरत नहीं पड़ी, रजत हमें ऐसे मिल गया सूट से लेके गुलदस्ते। गबरू ऐसे आता आगे से कट मारता, यूँ कट मारता हुआ गया है वो ना, जबरदस्त वाला कट मार के गया गबरू आगे से, ऐसे है ना यू टर्न मारा ना उसने 90 की स्पीड पे। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, फ्रेंड्स हम आपको वहाँ तक ले आके ख़त्म कर देंगे वीडियो, फिर आप नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। अभी हम वहाँ तक ही जाएंगे, ये फिलहाल आपको स्टोर दिखा रहे हो, बेल्टें फिर से आ गई, ठीक है। कहाँ हाँ क्या थी, रजत बता रहा है इतनी बड़ी सोल जूते की, ये वही करते हैं जिनकी हाइट छोटी है और कहते हैं हम तो 6 फुट की गबरू नौजवान कम सीन हसीन है, वो ऐसे करती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, जो पीछे मंदिर है ना, ये मंदिर देख रहे हो, ये 18 मंजिल मंदिर बनने वाला है, कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया में सबसे बड़ा मंदिर यही बनने वाला है। तो कुरुक्षेत्र में कुछ धार्मिक स्थान भी होने चाहिए ना। तो ये आप स्टॉल देख रहे हो, हमने यू टर्न मार लिया, कट मार लिया 90 की स्पीड में। ओह अभी व्हाट्सएप पे वीडियो आई थी दिल्ली की ना, फ्लाई ओवर से गाड़ी नीचे गिरी थी, मतलब कि देखने दहलाने वाली बात थी वो, तो पूरी मतलब कि पूरा दहला दिया। तो फ्रेंड्स हम किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, जो लड़के खरीद रहे हैं बंदियों के लिए, सब जानता हूँ मैं, सब जानता हूँ कि हाँ भाई हम किसी को गिफ्ट करेंगे, सस्ते में टरका देंगे, समझ लो सारे जने। इस साइड में थोड़ा अंधेरा आ रहा होगा ना, ये मिले भाई अपन को दो, कहते आप वीडियो यूट्यूब पे लाइव चल रहा है, मैं लाइव नहीं चल रहा, कहता हमारे साथ बात करो भाई, स्विमिंग करते हो, तूने बोला बात करो, बात क्या करें, नहीं स्विमिंग चैनल सिखा, स्विमिंग सिखाता हूँ भाई, बात क्या करें ये तो पता, वो कह रहा था भैया, अच्छा वो कह रहा था, अरे, अरे, अरे बात करनी क्या, ओ माय गॉड, यो यो
बात क्या करनी है ये तो बता। कुछ मर्जी पूछ ले, खेल लेना साथ में। अच्छा पबजी प्लेयर है तू? हां पबजी प्लेयर खेल लेते हैं भाई कभी कभी। खेल लेता है पर कीड़ा नहीं है तुझे पबजी का? बेटा बच्चे गुम होते हैं। अच्छा भाई को पबजी का कीड़ा नहीं है पर पबजी खेल लेता है। मतलब कितने किल कर दे? टीडीएम भी लगा लेते हैं वैसे ज़्यादातर क्लासिक मैच लगाता हूँ। क्लासिक वैसा भाई चैंपियन है पर खेल तो थोड़ी है, कहता खेल तो थोड़ी हूँ मैं पर चैंपियन नहीं है। ये भाई चल रहे हैं पीछे और ये भाई तुम ही उदास की हो क्या हुआ? बस थक रखा हूँ मेरी। तो फ्रेंड्स शुक्रिया भाई थोड़ा बट भेज दूंगा भेज दूंगा भेज दूंगा। चला गया भाई खुश, थोड़ी सी खुशी देख कितनी खुशी मिलती है देख भाई के चेहरे में स्माइल। ओहो तो एकदम स्माइल मतलब थोड़ी सी मतलब कर दो ए स्माइल आ जाती चेहरे पे। ए चको 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 ओहो क्यों रहे हो? ये रजत आ रहा है आगे हमारे कैमरे के आगे। रजत चेहरा दिखाना, रजत के चेहरे पे स्माइल। मुश्किल ही आती है कभी कभी आती है महंगी महंगी स्माइल आती है। आई कहता स्माइल जब ही आती है जब कोई दिख जाता है अपना कोई बल्कि कोई दिख जाता है अपना कोई। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने गीता जयंती आपको कितनी दिखाई है ठीक है। आपने टेंशन लेने में आपको ए टू जेड दिखाऊंगा कि मैंने आपको गीता जयंती कहाँ से लेके कहाँ तक दिखाई है। अभी मैंने ये पूरी गीता जयंती नहीं दिखाई, ये सोच लो कि गीता जयंती का आपने आधा हिस्सा देखा है ठीक है। वैसे गीता जयंती देखनी हो तो 2-3-4 घंटे लग जाते हैं। कछुआ और कॉलेज का नाम ही है, क्या कॉलेज का नाम पढ़ियो? हैं कॉलेज का नाम पढ़ शक्तिमान कॉलेज का नाम पढ़। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं ठीक है। ओ प्रोफेशनल कैमरामैन भी आए हुए हैं ठीक है, जो बत्तख को शूट करेंगे। ये भी शूट कर रहे हैं, ये भी शायद अपने चैनल के लिए या वैसे शूट कर रहे हैं ठीक है। कॉलेज का नाम है ये देख सकते हो, हाँ कॉलेज का है ये संतर संस्था का होगा जो भी होगा। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अब ऊपर ठीक है। अब हम आपको दिखाएंगे कछुआ, कछुआ दिखाएंगे कछुआ जो पॉलीथीन से बना हुआ है। कछुआ 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 हम आपको दिखाएंगे कछुआ कछुआ। ये सबको पता लग गया पॉलीथीन से बनाया कछुआ ठीक है। तो ये चेक कर सकते हो, ये बनाया कछुआ, ये क्या लिखा है सीबीटी की ने, ये आप कछुआ देख सकते हो। ये सारा का सारा पॉलीथीन से बनाया, मैंने पहले की वीडियो में दिखाया था पर मैं कमेंट्री नहीं कर रही थी। तो ये कछुआ आपने देख लिया है ठीक है कछुआ। तो यहाँ पे भी कुछ, वहाँ पे भी कुछ है, इधर भी कुछ है, इधर क्या है? अच्छा ये वैसे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। ये क्या था वो बोल रहा था रोबोट, ये आप चेक कर सकते हो भाई, बताएगा क्या क्या है ये क्या है? ये गूगल है भाई। हैं अच्छा गूगल, अरे जैसे सीरी, हाँ सीरी ऐसे गूगल असिस्टेंट। गूगल से पक्का चला दो, गाड़ी चला दो, हमने नहीं चलवाने, हम अपने आप चलाएंगे। ये आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी है कुछ, यहाँ पे भी है कुछ, दिखाएंगे जरूर हम आपको, टेंशन ना लो। ये क्या है? YouTube चैनल से हैं? Yes, bro. क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो मनी है। YouTube चैनल चैनल का नाम स्विमिंग बाय मनी है। स्विमिंग बाय मनी, ये सर स्विमिंग सुना है, सुना है काफी। स्विमिंग आपने पिछले साल भी ऐसे कवर किया था इसको? मैं हर साल कवर करता हूँ ठीक है। हम आपको बताते हैं ये क्या है। ओके ठीक है एक सेकंड। हाँ गीता जयंती में आप देख सकते हो चामराज साहब भी आए उन्हें, नहीं अलिफ लैला, तो आप देख सकते हो ठीक है बढ़िया रखी है। तो ये भाई भी आ रहा है साथ में, यो डॉट आप आ सकते हो यहाँ पे, फोटो भी फाटो भी खिंचा सकते हो सारी, मतलब कि बढ़िया रहेगी एकदम, मतलब कि गीता जयंती मज़ा आ जाएगा आपको। रजत गुम हो गया, अरे यार अनाउंसमेंट करानी पड़ेगी, रजत गुम हो गया। तो फ्रेंड्स सारे घूमने आया है, आज संडे है तो खासकर बढ़िया रहता है, एकदम बढ़िया रहता है, संडे है इंजॉय करो, अपनी पूरी चिल आउट करो, जिंदगी जी लो यहाँ आगे, कुछ खरीदना है नहीं तो आप सरोवर के किनारे ऐसे बैठ जाओगे ना इतना मज़ा आएगा कि तो जहर वाला मज़ा आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा अगर आप सरोवर के किनारे बैठ भी जाते हो तो वो बहुत मज़ा आएगा एकदम, अगर आप सरोवर के किनारे बैठ जाते हो तो। हम जब आपको जहाँ स्विमिंग कराते थे ना
तो चिंटू को, तो शाम को हम बैठते थे, बहुत मज़ा आता था हमें, कसम से बहुत मज़ा आता था। और शांति होती है, अभी आरती हो हटी है, अपनी होनी है, आरती होने के बाद जो मज़ा आता है बहुत, एकदम शांति मिलती है, बंदा जितनी मर्जी टेंशन हो, यहाँ टेंशन एकदम फ्री हो जाती है, एकदम फ्री माइंड हो जाता है बंदा, कोई 2 रुपये की दिल्ली की भी है ना क्या कहते हैं टेंशन नहीं रहती यहाँ पे, क्योंकि ऐसे भी लेके जो ये अभी टाइम है, अभी शाम हो चुकी है। चलो मैं सुबह का लगा हुआ वीडियो बनाने, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, तो लाइक ज़रूर करना ठीक है। तो बस निश ने ये वाली बोल लेने की सोच रहा था, पर ये बोल टूट जाती है, खचखच भीड़ बड़ी हुई है। ये अब शाम का मौसम देख सकते हो, बड़ा हसीन है और एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम सेक्सी सेक्सी वाला मज़ा आ रहा है, सेक्सी सेक्सी वाला। तो क्या लगता है वीडियो ख़त्म की जाए? शाम को जब मैं चिंटू को तुझे पता है स्विमिंग कराता ना, यहाँ आरती हो जाती थी 6 बजे ठीक है, और 6 बजे आरती होने के बाद इतना मज़ा आता था ना, इतना मज़ा आता था, चिल आउट। 8:30 बजे हम बैठते थे, चिंटू गर्मा गर्म दूध पीता था स्विमिंग करने के बाद, क्योंकि अभी तो थोड़ी ठंड लगेगी पर फिर भी बढ़िया है। तो फ्रेंड्स जलेबी जलेबियाँ खानी, आप वहाँ जा सकते हो और ये आप चेक कर सकते हो, सारे घूमने आए हैं। बाकी अगर आप इधर कुछ ऐसे वैसे कर नहीं सकते, पुलिसों की ड्यूटी लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल मैंने गीता जयंती दिखा दिया, आई होप कि आपको गीता जयंती अच्छी लगी हो, अच्छी लगी तो नेक्स्ट डे भी देखना जरूर। और गीता जयंती में कुछ जैसे अलग अलग इनोवेशन, जैसे रोबोटिक्स के ऊपर मैंने कल वीडियो दिखा दी, इससे आगे वीडियो आएगी शायद, इससे अगली वीडियो आपको रोबोटिक्स की मिलेगी, जो बच्चों ने आविष्कार किए, जो ये पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो ये घर पड़ा हुआ है या कहां गया, वो बंदे खड़े हुए हैं वहां पे, इन्होंने जो भी वर्क किया हुआ बच्चों के, यहां कैंप लगा हुआ है 10 साल से लेके 16 साल तक बच्चे, अगर कोई रोबोटिक्स से कुछ सीखना चाहते हैं या कुछ बनाना चाहते हैं वो यहां आके लगा सकते हैं कैंप। तो उसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी दिखा दूँगा क्या क्या बच्चों ने बनाया जो 10 साल के है। अगर आपने कोई चीज़ पार्ट, अगर आप रोबोटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, जरा जैसे बेचारा पागल हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कहता बोर कर दिया तूने, तो बस वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, इसी तरह मुझे सपोर्ट करना, और आपको गीता जयंती पूरी दिखाऊंगा मैं, डे 1 डे 2 डे 3 सारा कुछ। तो आज के लिए इतना काफी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। ये चैनल है स्विमिंग बाय मनी, ये टेक्निकल कंपनी मनी, जिसके ऊपर मैं मोबाइल गैजेट्स उनकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, टेक न्यूज़। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, थैंक यू।